तो रामराम भाई सभी साथियों, फिलहाल भाई भिवानी से लाइव जुड़ चुका हूँ और साथी देख सकते हो भाई आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ जो भाई यहाँ पर हो चुकी है और वही बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर फिल्म अभिनेता और भाई कांग्रेस जो नेता है भाई राजबब्बर जी पहुँचने वाले हैं और भाई रोड शो करेंगे भाई जो हुड्डा पार्क भाई यहाँ से लेकर के भाई भिवानी के अंदर रोड शो करेंगे और गाड़ी आप देख सकते हो भाई कितनी खूबसूरत गाड़ी देखी भाई ओम प्रकाश कामरेड जो भी भाई जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र से वो भाई आज रोड शो करेंगे। तो ताऊ जी भी साथ में, ताऊ जी राम राम। सज्जन सिंह कहाँ से हो सर आप? मेरा शिवास गांव। अच्छा शिवास। ये गाड़ी सर किसकी है? ये रवि आपकी सर गाड़ी है? अपनी है सर। इतनी अच्छी तरह से देखो कैसे उसका सिंगार कर रखा है सर। बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है सर ओम प्रकाश जी का? ओम प्रकाश का बिल्कुल क्लियर जीत है। अच्छा तो टक्कर में कौन कौन है? जैसे कि घनश्याम सर आप जी को टिकट मिले बीजेपी से और उधर टक्कर तो बीजेपी की होगी। अच्छा तो लेकिन जीत क्लियर है। तो प्रकाश जी क्या पहली बार राजनीति के अंदर आए हैं क्या? पहली बार राजनीति में आए हैं, पहले जैसे जनता की बहुत सेवा की है जी जी जी। और बहुत अच्छा बताओ जी। ओम प्रकाश जी जो है नीचे वर्ग के जो है बहुत ही चेता है और हमेशा हर काम उनका गिरे है और वो बहुत ही ईमानदार सच्चे नेक चरित्र सिद्धांत और नैतिकता वाले इंसान है। इसलिए इनका चारों तरफ जय जयकार का नारा लगा हुआ है और ये अवश्य कामयाब है। अगर क्या विचार आपकी क्या आपकी बार जीत पाएंगे सर? ये इस बार जो है कामरेड ओम प्रकाश जो है स्पेशली कामरेड ओम प्रकाश को ही कांग्रेस कम्युनिस्ट का टिकट मिला है और अवश्य विजय होंगे। घनश्याम सर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? लगातार विधायक बनते आ रहे लेकिन भिवानी देखिए आज भी भिवानी के वही हालात हैं तो क्या कहेंगे सर? अभी तक कोई काम करवाया उन्होंने? इस बार जो है 15 साल की गिरदावरी जो है जाओ से पतली होनी चाहिए और एक बार कामरेड ओम प्रकाश को अजमाइश करना चाहिए। सर उनके समर्थन में कौन आ रहे हैं आज? आज उनके राज बब्बर जी आ रहे हैं उनके समर्थन में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और बहुत ही यानी के मान नेता है। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, आप कहाँ से? नमस्कार जी, मैं नांगल गांव से हूँ। नांगल से? हाँ जी। तो सर क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी के बारे में? पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ है कि किसी ईमानदार आदमी को टिकट मिली है तो मतलब इतिहास रचने जाए पहली बार भिवानी में कि 15 साल के गढ़ को हम उखाड़ फेंकेंगे अब की बार और घनश्याम जी को हरा देंगे हम। तो जनता कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन है कि जब से टिकट मिली है तब से हमारा इलेक्शन बहुत ऊपर जा रहा है और जनता सिराकों पे बिठा के ओम प्रकाश जी को लेके आएगी और जब हमारा 8 तारीख को रिजल्ट होगा तो नज़ारा देखने को बनेगा और हम मंत्री भी बनेंगे साथ में। सर अहम मुद्दे क्या हैं ओम प्रकाश जी के? अहम मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर का विकास का। जो 15 साल से हमारा शहर पिछड़ा हुआ है तो ये समझो कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं और जो घनश्याम जी ने 15 साल से सूद नहीं ली वो ओम प्रकाश जी मैं देता हूँ कि हमको 5 साल मिल गए तो चमका के दिखा देंगे भिवानी को। सर अभी तक हमारे भिवानी से इतने विधायक आए और चले गए लेकिन आज तक भिवानी वही वैसे की वैसी हालत में है तो क्या सोचते हैं कामरेड जी क्या विकास कर पाएंगे? अब तक भिवानी ऐसी इसलिए रही क्योंकि अब तक अच्छी सोच वाला हमें नेता ही नहीं मिला और अब तक तो ये समझो कि भिवानी को एक प्रॉपर्टी डीलर चला रहा था लेकिन अब सच्चा और ईमानदार नेता को अब की बार टिकट मिली है और वास्तव में अब की बार भिवानी बदल जाएगी। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, आप कहाँ से हो? बामड़ा भिवानी। बामड़ा से? हाँ जी। तो क्या कुछ विचार आपके कॉपरेट के बारे में? हमने पहली बार ऐसा मौका मिला है जो कि हमारे इतना नेक और इंसान आदमी है जो ईमानदार आदमी है इतना संघर्षशील आदमी है इसने न 6 साल से किसानों के मजदूरों के विकलांगों के और भी जितने जो कमेरे वर्ग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है बहुत संघर्ष किया है इतने पहले बारे से ईमानदार मिला है जो इसको तन मन धन से इसको विजय बनाया। धन्यवाद जी। साथी देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ जो भाई यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और भाई लगातार जो भाई लोग आ रहे हैं देखिए झंडे भाई आप देख सकते हो कामरेड प्लस भाई जो कांग्रेस का जो हाथ का निशान है भाई वो सब लगे हुए हैं और भाई हजारों गाड़ियाँ भाई जो है भाई लगातार जो भाई यहाँ पर आ रही हैं और ये गाड़ी आप देख सकते हो भाई कॉमरेड ओम प्रकाश जी की और भाई कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाई और उनकी जो टक्कर है भाई वो है घनश्याम सराफ जो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं लेकिन भाई अभी तक भिवानी के अंदर आप खुद देखते हो भाई कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आज देख सकते हैं भाई आप आज हो सकता है कि भाई राजबब्बर जो रोड शो करेंगे उसके बाद भाई यहाँ का समीकरण बदल सकता है। सर नमस्कार। हेलो, कहाँ से आए सर? प्रेमनगर से। सर ओम प्रकाश जी के बारे में क्या कुछ कहोगे? कैसा माहौल है? बढ़िया बढ़िया माहौल है। टॉप का। क्या जीत पाएंगे अबकी बार? पूरे बहुमत से। बीजेपी सरकार लगातार जो घनश्याम सराफ जी विधायक बनते आ रहे हैं तो कितना विकास करिए आप देख रहे हैं कितना काम करवाया? करया ही नहीं कुछ भी तो ही नहीं करया। हाँ बिल्कुल जीरो है तो है। धन्यवाद सर। तो वही साथियों आप देख सकते हो भाई ये जो है यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है
और कुछ समय बाद भाई राजोबर यहाँ पर पहुँचेंगे, तो भाई वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। लाइव आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई काफ़ी सारे लोग दूर दराज से जो भाई यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो सभी साथी वीडियो को शेयर करें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा भाई।